हेलो व्राम वेलकम टू क्लास सीरीज और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को हम देखने वाले हैं बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्या क्या डिफरेंसेस है अपन देखने वाले ठीक है तो चलो अपन सीधा डिफरेंसेस में चलते हैं आप सामने देख सकते हैं हमारे दो कॉलम्स हैं फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस सेकंड कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट तो फर्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है द कंप्लीट लेंथ ऑफ ए पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपना मीनिंग हो गया डिस्टेंस का लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या बोला है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स फाइनल ठीक है नेक्स्ट अपनी डिफरेंस डी से डिनोट करा, I mean, दि करा जाता है और डिस्प्लेसमेंट कैसे दी लेटर एस से डिनोट करा जाता है ठीक है यहाँ पे क्या बोला है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी इट इज ए वक्टर क्वांटिटी ठीक है देन यहाँ पे क्या बोला डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम स्पीड इन टाइम है क्या है डिस्टेंस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मला क्या है वेलोसिटी इनटू टाइम क्या है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला वेलोसिटी इनटू टाइम देन यहाँ पे डिस्टेंस के अंदर क्या बोला है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव डिस्टेंस हमेशा आई मीन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में रहता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या बोला इट कैन भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है साथ में जीरो भी हो सकता है देन यहाँ पे डिस्टेंस के अंदर क्या बोला है डिस्टेंस नॉट डिक्रीज विद टाइम जो डिस्टेंस होता है वो टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होता लेकिन यहाँ पे क्या बोला डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस विद टाइम जो टाइम के साथ साथ जो डिस्प्लेसमेंट है, वो भी डिक्रीज होती जाती है ठीक यहाँ पे, यहाँ पे है यहां एक कॉमन डिफरेंस बोलिए नॉट बी जीरो कॉन आई मीन जो डिस्टेंस होता है वन पार्ट टू अनदर जीरो नहीं हो सकता लेकिन यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट बोलिए कैन बी जीरो ये जीरो हो सकती है ठीक है देन अपना डिस्टेंस के अंदर क्या डायरेक्शन इज नॉट केंसिडर वर्ल्ड कैलकुलेटिंग डिस्टेंस जो डायरेक्शन होती है आई I मीन mean, जब भी अपन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो जो डायरेक्शन होती है वो कंसिडर नहीं करी जाती कैलकुलेशन में आप देख सकते हैं ना यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम स्पीड और टाइम को कंसिडर करा जाता है लेकिन डायरेक्शन नहीं करी जाती किसके अंदर डिस्टेंस के अंदर लेकिन डिस्प्लेसमेंट लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या बोला है डायरेक्शन इज कैलकुलेटिंग डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जब जब भी अपन को कैलकुलेट करते हैं तो जो डायरेक्शन होती है किस डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में वो मूव करने वाला है जाने वाला है तो वो बेसिकली उसको करा जाता है ठीक है नेक्स्ट अपने डिफरेंस आती है डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या बोला डिस्टेंस ग्रेटर होता है या तो ग्रेटर हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है किसान डिस्प्लेसमेंट से लेकिन यहां पे डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या बोला डिस्प्लेसमेंट इज इधर इक्वल और लेस देन डिस्टेंस ग्रेटर नहीं होगा या तो वो एक पर हो जाएगा या तो वो लेस हो जाएगा किससे डिस्टेंस से ठीक है नेक्स्ट अपनी बेसिकली डिफरेंस आती है टेंथ uh, डिफ्रेंस के अंदर क्या बोला है आप देख सकते हैं डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन पाथ कहां से कहां तक uh, कहां से कहां तक पाथ होता है कितना लंबा होता है कितना छोटा पाथ होता है तो वो डिस्टेंस uh, उस पर डिपेंड होता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या बोला है डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जब तक वो कोई फाइनल आई मीन फाइनल पोजिशन पर रीच नहीं हो जाता तो वो अपन uh, डिस्प्लेसमेंट नहीं बता सकते यहाँ पे इसलिए लिखा है डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन जहां से शुरू हो है वहां से खत्म हो रहा है जहां से शुरू हो रहा है वहां से खत्म हो रहा है यहाँ लेके वहां तक जब तक वो वो जो ऑब्जेक्ट है पोस्ट नहीं जाता अपन डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते यहाँ पे क्या बोला है देर इज ऑलवेज अ डिस्टेंस कवर्डवर देर इज ए मोशन समझो ये पेन है अभी मैं इसको थोड़ा सा ये थोड़ा मैं आगे लेके चले गया ठीक है जब भी थोड़ा सा मोशन आया आगे जाने के लिए तो यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करा कराना पहले यहाँ पे था अभी थोड़ा सा आगे आ गया यहाँ पे आ गया तो ये इस तरीके से है तो यहाँ पे इसलिए लिखा है देर इज़ ऑलवेज अ डिस्टेंस कवर्ड इज अ मोशन जब भी मोशन होता है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर ही होगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या बोला है डिस्प्लेसमेंट विल डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो इफ़ द बॉडी कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन अगर यहाँ से स्टार्ट करा तो यहाँ पे जा रहा है तो अगर ये वापस आ गया वहाँ पे वहाँ पे और आगे जाने से पहले वापस यहाँ पे आ गया तो वो जो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो बन जाएगा ठीक है तो यहाँ पे अपन ने पहले डिफरेंस देखी थी ना डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो तो ये ये ऐसे केस में जीरो हो जाती है यहाँ पे क्या बोला है ये इट डज़ नॉट हैव ए यूनिक पाथ डिस्टेंस का कोई भी यूनिक पाथ नहीं होता लेकिन डिस्प्लेसमेंट के uh, अंदर क्या बोला है इट हैज ए यूनिक पाथ ठीक है देन अपनी नेक्स्ट डिफरेंस आती है इट गिवस कंप्लीट इंफॉमेशन ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है ज, uh, किस पाथ से ट्रेवल करा जाता है कब करा जा रहा है एक्सेट्रा तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का क्या बोला इट मे और मे नॉट गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द पार्ट ट्रवल बाय द बॉडी या पे या, या तो दे सकता है या फिर नहीं भी दे सकता है ठीक है तो ये थी अपनी बेसिकली डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट